पूरी निर्मल पवित्रता कहिए उसके ओर नजर करें। वो पूर्णतया अलिप्त है, किसी चीज में लिप्त नहीं। जो भी चीज आपसे लिपटी हुई है उसी के कारण आप आत्मा से दूर हैं, आत्म तत्व का विचार करें। और ये आत्म तत्व प्रेम है। अनेक बार इसका विचार करें, बहुत बड़ा विचार है। आत्म तत्व प्रेम है। बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं पाया। इसके कारण उसके अनेक विपर्यास हो गए। प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है, वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है। चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है, नहीं, आत्म तत्व प्रेम है। एक शब्द आप प्रेम कहते ही साथ आपके अनेक बंधन टूट जाएं। जितना झूठ है, असत्य है, वो प्रेम के विरोध में है। अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं तो आप प्रेम कर रहे हैं। आप स्वयं प्रेम हैं। इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं। ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का, लेकिन अब आप कह सकते हो हैं कि मैं वही प्रेम तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही प्रभु की शक्ति हूं। आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से दो तीन बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगे। अब रोजमर्रा के जीवन में क्या करना चाहिए? रोजमर्रा के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति प्रेम तत्व की है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कि आप प्रेम में कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप बड़े भारी सहयोगी हैं। हम अगर कभी किसी को कोई बात कहते हैं या डांटते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो आकर के सहयोगियों में बैठ करके हमें गालियां देते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस क्यों चले गए। तो इस तरह की अगर आप मूर्खता करते हो तो बेहतर है कि आप लोग सहयोग में नहीं आए। सहयोग में वही आदमी आ सकता है और चल सकता है जो कुछ लेना चाहता है। उसको देने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसको लेना ही है हमसे। वो अगर देना चाहेगा, उसकी वो शक्ति जब हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी, लेकिन आप तभी दे पाते हैं जब आप ले पाते हैं। इसलिए पहले लेना सीखिए। हमारे अंदर क्या दोष है, रोज के जीवन के इसमें आप देखते चले कि हम क्या चीज दे रहे हैं। हम प्रेम दे रहे हैं क्या? हम स्वयं साक्षात प्रेम में खड़े हैं? हम सबसे लड़ते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, सबको परेशान करते हैं और हम सोचते हैं कि हम सहयोगी हैं। इस तरह की गलत फहमी में नहीं रहना। अपने साथ पूर्णतया दर्पण के रूप से रहना चाहिए, माने अपने को पूरी समय देखते रहिए। समझ लीजिए, हमारे माथे में कोई चीज लग गई तो आप बताएंगे माता जी आपके सर में कुछ लगा, इसको पोछ लीजिए। इसी प्रकार आप अपने को देखते रहें कि देखिए हमारे यहां पर यह चीज लग गई है, इसको हम पोछ लेते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आपका जीवन एक उज्जवल होना चाहिए। आपके मुख पे कांति आनी चाहिए, आपके व्यवहार में सुंदरता आनी चाहिए, आप प्रेममय होना चाहिए। फूट फूट के जैसे अगर आप बिल्कुल ही रसहीन हो तो आप सहजयोगी नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती के आप सहयोगी बने हैं
वो भी हम आपको चला रहे हैं इसलिए आप बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें आप माफ कर दें और आप सहयोग में ना आए। थोड़े दिन में आप खुद ही निकल जाएंगे। इस तरह के लोग जिनमें प्रेम नहीं है, जो अपने को सोचते हैं कि हम बड़े बढ़िया आदमी हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं और ये है वो है, वो बिल्कुल सहयोग के लिए व्यर्थ है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जाएं दूसरे गुरुओं के जूते खाएं और वहां रहें। यहां पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं। अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता। आपको घमंड छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, मैं कहती हूं पहले घमंड से आप संन्यास लीजिए, क्रोध से आप संन्यास लीजिए, कपड़ों से नहीं लीजिए। कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है। संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं से एक संन्यास लेने को ही संन्यास कहते हैं, संन्यस्त। ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं। तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से, सबसे प्रेम से व्यवहार करें। अपने बाल बच्चे, घर वाले, इनसे सबसे सहयोग की बातचीत करें, सहयोग पर विवरण करें। अपने दोस्त बदलिए, अपना उठना बैठना बदलिए। ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके सगे हैं, इनसे बातचीत करें, इनसे बोलें और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है। जब भी आप सफर करें, कहीं बाहर जाएं, किसी गांव जाना है, ये बता रहे थे अभी राहुरी से आए कि हम अपने साथ में जैसे सब लोग लेकर चलते हैं चीजें अपने ट्रैवलिंग की, वैसे हम अपने साथ में थोड़ा सा तीर्थ, वो मेरे पैर के पानी को तीर्थ कहते हैं, तीर्थ और कुंकू और ये सब वाइब्रेटेड हम लेके चलते हैं। रास्ते में कोई आदमी बीमार दिखाई दिया, चलो उसको तीर्थ पिला दिया। कोई आदमी ने धर्म की चर्चा की, उसको फोटो दिखा दिया, देखो भाई ये माता जी है और तुम चाहो तो उनको पार कर सकते। जहां जो आदमी मिल जाए वो अपने साथ रखे रहिए, अच्छा चलिए आपको हम कुंकू लगा देते हैं, देखिए आपको कैसे लगता है, ये हमारी माता जी। पूरी समय दिमाग इधर उधर दौड़ता रहे कि सहज योग को किस तरह से हम प्लावित अपने जीवन से कर सकते हैं, उसी समय आप देखिए कि आप बहुत गहरे उतर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सहज योग में सिर्फ ऐसे आते हैं जैसे मंदिर में आए चले गए और फिर उसका दुष्परिणाम हमेशा आएगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं अभी बैठे हुए कि जिन्होंने जब से सहज योग से पार हुए हैं तब से कोई उनको एक बीमारी नहीं, महाबीमार थे, उनको कभी बीमारी नहीं, एक बार भी वो डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने एक दवा नहीं ली जब से वो सहयोग में आए। बुढ़े भी हैं उनमें से कुछ जो हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे और अस्पतालों में घुमा करते थे, वो सब कभी भी नहीं गए। ऐसे यहां बहुत से अनेक उदाहरण, इतना ही नहीं पर उन्होंने दूसरों की भला किया। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य के लिए, एक सहयोग के लिए आवश्यक है वो करते रहे और इस वजह से वो ठीक। आपस में मिलते रहो, आपस में सब तुम डॉक्टर्स हो, सब पेशेंट्स, और डॉक्टर लोग आपस में फीस नहीं लेते, उस प्रकार तुम भी आपस में फीस नहीं लेते। आपस में ट्रीटमेंट करो, आपस में पूछ लो और उसमें बुरा मानने कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि आपका सहस्त्रार्थ पकड़ा है तो बड़ी शर्म की बात है, सहस्त्रार्थ पकड़ा तो बड़ी शर्म की बात हो गई, तो हमारे विरोध में बैठ जाएगी बात। तुझसे कहना भाई फौरन ठीक कर दो, पता नहीं कैसे आदमी के साथ मैं बैठ गया। किसी ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए जो सहयोग की बुराई करता है, सहस्त्रार फौरन पकड़ जाए। ऐसा आदमी अगर बोला तो कान बंद कर लो और ऐसे आदमी से कहना भाई तुम दूर बैठो, हमसे तुमसे मतलब नहीं, तुम हमारे से बात मत करो, बस हमको कोई अपना बुरा नहीं करना, आप कौन होते हमसे बात करने के लिए, आप यहां माता जी के वजह से हमसे मिले हैं और अब आप चुप रहिए। ऐसे जो भी आदमी बात करते उसे कहना बस बस करिए, आपका सहस्त्रार पकड़ेगा, फिर एक एक चक्र पकड़ेंगे, हो गया थोड़े दिन में आओगे माता जी मुझे कैंसर हो गया, एक दो को कैंसर भी हुआ हमारे, आप तो ठीक हो गए लेकिन हुआ था। और कैंसर बीमारी जो है वो तो बिल्कुल सहस्त्रार की बीमारी है, पक्की समझ लीजिए। कैंसर से अगर बचना है तो अपना सहस्त्रार साफ रखो। सहस्त्रार तुम लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया तो कैंसर की शुरुआत हो गई, मैं आपसे बता रहा हूं। सहस्त्रार हमेशा साफ रखो और हो सकता है कि आज नहीं कल 8 साल बाद आपको पता होगा कि सडनली हमें कैंसर हो गया, तो क्यों ना अभी से अपने को स्वास्थ्यपूर्ण रखें। और इतना ही नहीं,
सहयोग का कार्य करें, जिसके कारण हम परमात्मा के राज्य में बैठे हैं। और जब कल संसार में उन लोगों को चुना जाएगा जो परमात्मा के हैं, उनमें से आप एक श्रेष्ठतम लोग होंगे। क्यों ना ऐसा कार्य करें जिससे सब व्यर्थ का समय हम बर्बाद कर रहे हैं। इसके घर जाओ, रिश्तेदार के घर खाना खाओ, फलाने के घर घुसो, उसकी बुराई करो, छोड़ छाड़ करके और अपने मार्ग को ठीक बनाए और ऐसा जीवन बनाए कि संसार में उन लोगों का नाम। सबको ये सोचना चाहिए। कोई ये भी सोचे कि भाई अब मेरी उम्र ही क्या रह गई है, अब तो क्या कर सकता हूं, सो बात नहीं। आप मरेंगे ही नहीं, आप मरते हैं फिर आप पैदा होते हैं, फिर आप मरेंगे फिर पैदा होंगे, ये चक्कर चलते रहेंगे। तो क्यों ना उसको एक साल के अंदर आप सभी चीज को खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आप एक हफ्ते में भी खत्म कर सकते। एक बार निश्चय मात्र करना है, एक क्षण तो भी खत्म हो जाएगा। अपने जीवन को कुछ विशेष करना है, ये एक बार इतना ही निश्चय कर लेने से ही सहयोग का लाभ अत्यंत हो सकता है, ये आप जानते हैं। शरणागति होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि मेरे पैर पे आए, पर शरणागति मन से होनी चाहिए। बहुत से लोग पैर पे आते हैं, शरणागति बिल्कुल नहीं होनी। शरणागति होनी चाहिए। अगर शरणागत रहे अंदर से, पूर्णतया शरणागत रहे, तो पूर्णतया आपके अंदर कुंडलिनी जो है सीधे आत्म तत्व पे टिकी रहेगी। जैसे कि एक दीप की लौ लगी रहती है, उस तरह एक भी उसमें फ्लिकरिंग नहीं होगा। लेकिन शरणागत रहे, शरणागत रहने में आनंद है, उसी में सुख की प्राप्ति है, उसी में परमात्मा की प्राप्ति है। एक बहुत अनुपम विशेष यूनिक चीज है सहजयोग। इसको समझें और उसमें रत रहें, जितने आप उसे तादाद में पाएंगे उतना ही आपका आत्म तत्व चमक सकता है। कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय इसके कि आप स्वयं प्रकाश बने। और जिनको बेकार की बातें सूझती हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज को छोड़ दें, उनके पास नहीं है। अब आखिरी बात बताऊंगी, इसको बहुत समझ के और विचार पूर्वक करें। हमारे अंदर स्वयं ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, हमारे ही अंदर स्वयं बहुत सी काली प्रवृत्तियां हैं, जिसको नेगेटिविटी कहते हैं, वे जोर बांधती हैं। उसके कब्जे में आना अपने को शैतान बनाना है। आप चाहें तो शैतान बन सकते हैं और चाहें आप परमात्मा बन सकते हैं। शैतान अगर बनना है तो बात दूसरी, उसके लिए मैं गुरु नहीं हूं। भगवान बनना है तो उसके लिए मैं गुरु हूं। लेकिन शैतान से बचना चाहिए। पहली चीज है कि अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ में आपको डेंजरस होते हैं। दो दिन विशेषकर अमावस्या की रात्रि को और पूर्णिमा की रात्रि को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। भजन करके, रत होके, ध्यान करके, चित्त सहस्त्रार में डाल के, बंधन डाल के सो जाना चाहिए। मतलब चित्त सहस्त्रार में जाते ही आप अचेतन में चले गए, वहां अपने को बंधन में डाल दिया, आप बच गए। दो रात्रि को विशेष, और जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उस दिन विशेषकर, अमावस्या के दिन आपको शिवजी को ध्यान करना चाहिए। शिवजी का ध्यान करके उनके हवाले अपने को करके सोना चाहिए या आत्मतक। और पूर्णिमा के दिन आपको श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए।
उनके ऊपर अपनी नैया छोड़ के, रामचंद्र जी का मतलब है क्या, क्रिएटिविटी का, अपने जो क्रिएटिव पावर्स है उसको पूर्णतया समर्पित करके और आपको रहना थे। इन दो दिन अपने को विशेष रूप से बचाना थे। हालांकि सप्तमी और नवमी दो दिन विशेष कर आप पर आशीर्वाद हमारा रहता है, सप्तमी और नवमी के दिन उसका ख्याल रखना। सप्तमी और नवमी के दिन जरूर ऐसा कोई आयोजन करना जिसमें ध्यान आप अपना पूरा करें। सामूहिक ध्यान उसी जगह करना जहां मेरा पैर पड़ा हुआ है, जो चीज शुद्ध हो चुकी है। सामूहिक ध्यान अपने घर में भी किसी के साथ बैठ के मत करना, अपने रिश्तेदारों के साथ भी बैठ करके सामूहिक ध्यान नहीं करना। जिस जगह मैंने कहा है वहीं सामूहिक ध्यान करना और बैठकर सहयोग की चर्चा भी बहुत देर तक ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहां मेरा पैर पड़ा नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारे अंदर भूत आके बोलने लगेंगे और आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुम लोग अब भी भूतों के कब्जे से बचे हुए लोग नहीं, कहां से भूत आता है वो समझ में नहीं आता और भूत सारे काम करता है। इस तरह से अपनी रक्षा करने की बात है। और जब कभी भी आप बाहर जाएं, कहीं भी घर से बाहर जाएं, तो अपने को पूर्णतया बंधन में रखें। बंधन में रखने से हर समय बंधन रखें, किसी से देखा कि किसी के आज्ञा चक्र पकड़ा कि चित्त से ही चाहे उस पर बंधन डाल दीजिए। जिस आदमी का आज्ञा चक्र पकड़ा है उसे कभी भी आर्ग्यूमेंट कराने की देखो बेवकूफी की बात है। जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है तो क्या आप भूत से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? जिसका भी आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें, बिल्कुल नहीं। वो कहना हाँ ठीक 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 आप ठीक है चलो, क्योंकि कोई पागल आदमी होता है ना तो उसको ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ भाई ठीक है तुम ठीक हो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है, पहली चीज। जिसका भी शुद्धि चक्र पकड़ा है उससे भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जिसका सहस्त्रार पकड़ा है उसके तो दरवाजे भी खड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको कहना अपना सहस्त्रार ठीक करो भाई, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हारा सहस्त्रार पकड़ा हुआ है। सहस्त्रार साफ रखना, अगर किसी का सहस्त्रार पकड़ा लगे तो फौरन जाके कहना भाई मेरा सहस्त्रार तुम लोग उतार दो किसी तरह से। सहस्त्रार किसी का पकड़ा हो और वो आपसे बातचीत करे कुछ करे, कहना वो अपना दुश्मन है, उस आदमी से बिल्कुल उस वक्त बात नहीं करने जब तक उसका सहस्त्रार पकड़ा है। अब रही हृदय चक्र, जिस मनुष्य का हृदय चक्र पकड़ा है उसकी मदद करनी चाहिए, जहां तक बन सके उसके हृदय पे बंधन आदि डालना, अपने हृदय पे हाथ रखना, मां की फोटो की ओर उसको ले जाना, हृदय चक्र का ख्याल जरूर करना, क्योंकि कभी कभी हृदय चक्र में हो सकता है दूसरे आदमी को परेशानी। हृदय चक्र में जरूर मदद करनी चाहिए, पर बहुत से लोगों के हृदय नहीं होता, बहुत ड्राई पर्सनालिटीज होती है, और ऐसे ड्राई लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चाहे भी उनका कुछ ठीक करना तो आप नहीं कर सकते, उनको छोड़ देना चाहिए। पर वो अगर आपके पास आए और आपसे कुछ कहें तो पहले उनसे कहना चाहिए कि आप हठयोग छोड़िए, आप दुनिया भर के काम छोड़िए और थोड़ा प्यार करना सीखिए। पहले कुत्ते बिल्लियों को प्यार करिए, अगर इंसान से नहीं होता फिर इंसान से प्यार करें, खुद भी सबसे प्यार करें, बच्चों से प्यार करिए, बच्चों से ज्यादती नहीं करिए, किसी के साथ ज्यादती मत करिए, किसी के साथ भी आप दुष्टता मत करिए। किसी को बच्चों को तो कभी नहीं मारना है, कोई भी सहयोगी को अपने बच्चों को कभी हाथ से मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना है, किसी को मारना नहीं, किसी से भी क्रोध नहीं करना है। सहयोगी को तो क्रोध करना ही नहीं है, उसको बुद्धिमानी से हर चीज को ऐसा सुझाव लेना चाहिए कि क्रोध न दिखे, उसको कोई भी क्रोध करना नहीं। रोजमर्रा का जीवन सहयोगी का कैसा होना चाहिए इसके लिए आप प्रार्थना करें, उसका विचार अंदर जाएगा। मैंने अनेक तरह से आपसे बताया है, उसी प्रकार हमारा जो ये अनंत जीवन का जो संस्था है उस संस्था के लिए हम लोग 8-10 आदमी मिल करके क्या करने का है उस पर विचार करें। आप लोग सब अपना सहयोग उसमें दें और सब मदद करें।